हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, यानी कि हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। अब हमें इन 5 होल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये मीन यहां पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर जो हमारे 5 होल नंबर्स थे, हम उनको यहां पर ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इनका सम चाहिए। अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशंस है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि यहां पर कितनी वैल्यूज दी गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो अपॉन में हम लिखेंगे 5। जब आप इन 5 होल नंबर्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा 10। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम 10 लिखेंगे, अपॉन में जो 5 है वो यहाँ पर एज इट इज आएगा। अब ये 10 और 5 आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 5 से ही काटेंगे। देखिए 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10, तो मीन कितना आ गया? 2 अपॉन 1, और अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें मीन क्या मिल गया है? 2। तो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2, यानी के पहले 5 होल नंबर्स का मीन 2 होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।